सातारा जिल्ह्यातील दंगली संदर्भात सखोल चौकशी करा. MIM पक्षाच्या वतीने जिल्हा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले मंगळवारी 10 ऑक्टोबर रोजी निवेदन. गेल्या महिन्यात सातारा जिल्ह्यात झालेल्या दंगली संदर्भात सखोल चौकशीच्या मागणीसाठी MIM पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचे बघावयास मिळाले आहे. यावेळी MIM पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी या दंगलीत झालेल्या अत्याचार संदर्भात निवेदनाच्या माध्यमातून धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी केली असून या घटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध देखील करण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येने MIM पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते निषेध करण्यासाठी धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात एकवटल्याचे बघावयास मिळाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि संबंधित दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. 10 ऑक्टोबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी की तरफ से हम लोग कलेक्टर साहब को एक निवेदन देने आए हैं और आज का हमारा ये निवेदन और आंदोलन है. सतारा जिले के अंदर पिछले महीने दंगल हुई थी, उसके अंदर अल्पसंख्यक समाज का काफी नुकसान किया गया था और इस ताल्लुक से बार बार वहाँ की लोकल पुलिस से और वहाँ के DIG से, वहाँ के IPS ऑफिसर से, वहाँ के SP से सबसे मुलाकात की, लेकिन वहाँ पर जो लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था उनके ऊपर आज तक कोई उनके ताल्लुक से कार्रवाई नहीं की गई. और सामने जो BJP के उप प्रदेश अध्यक्ष जिसने ये पूरा दंगल घड़ाया था उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई. आज हम लोग बार बार प्रशासन से ये बात करते रहे कई लोग के साथ इंसाफ हो जाए, लेकिन आज तक ये मामला सामने नहीं आया. इसके ताल्लुक से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और हमारी प्रदेश की टीम ने, हमारे प्रदेश वर्किंग अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फर कादरी साहब ने लोकल पुलिस से बार बार रब्ता किया, प्रशासन से इस बारे में मांग उठाई, लेकिन आज तक कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला. आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर जिला स्तर पे, हर तालुका स्तर के ऊपर आज एक आंदोलन किया जा रहा है. और आज धुलिया शहर में भी आमदार फारूक शाह साहब की जानिब से ये हिदायत मिली ये आंदोलन करने के लिए और ये निवेदन देने के लिए. आज हमारी पूरी टीम कलेक्टर साहब को ये निवेदन देने आई है और कलेक्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये निवेदन को राज्यपाल तक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब तक, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके तक हमारी बात को पहुंचाया जाए. ये हमारी मांग.